हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जो प्रीव्यू में आपने वीडियो देखा है इस तरह की एडिटिंग आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं VN ऐप को, जो कि इजीली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है। आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलता है। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको 4 फोटोज़ एंड 1 वीडियो की ज़रूरत है, जैसा कि आपने प्रीव्यू के वीडियो में भी नोटिस करा होगा। तो आपको पहले 4 फोटोज़ इंपोर्ट करने हैं, देन आफ्टर आपको 1 वीडियो इंपोर्ट करना है। तो फोटो वीडियो इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोन लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं। एंड वहाँ से आपको पहले 4 फोटोज़ सेलेक्ट करने हैं अपने अकॉर्डिंग, और अपना एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको 1, 2, 3, 4 फोटोज़ लेने हैं एंड लास्ट में आपको एक वीडियो लेना है। ओके, इस तरह से आप ले लेंगे। ये मैंने एग्जांपल फोटो वीडियो ली हुई है। अब दोस्तों, यहाँ एंड में आपको VN का डिफ़ॉल्ट क्लिप मिलता है, इसको आपको डिलीट कर लेना है। एंड यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको रेशियो सेलेक्ट करनी है अपने वीडियो की। 9:16 आप रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करेंगे। म्यूजिक के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आपको टेलीग्राम पर जाकर रील वीडियो मिलेगा। ओके, आपको उस रील को डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड कर लेते हैं, देन आपको यहाँ से वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि म्यूज़िक एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे। देन प्लस पे क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो कर लेना है। अब वो वीडियो आप ले लें जो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड किया होगा, एंड यहाँ से आपको सिंपली ओके कर लेना है। देन दोस्तों, आपको यहाँ से चूज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है म्यूज़िक बीट्स का, आपको म्यूज़िक बीट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहाँ से आपको म्यूज़िक को प्ले करना होता है। प्ले करते हुए जहाँ पर भी बीट आती है वहाँ पर आप मार्क लगाते हैं। मार्क लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर प्ले बटन आपको मिलता है, म्यूज़िक को प्ले करना होता है। जैसे ही आप म्यूज़िक प्ले करते हैं, आपका जो ये फ्लैग वाला ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता है, उस पर आपको मार्क करना होता है। सेकेंड थिंग, मैं आपको एक ईजी वे बताती हूँ। अगर आप साउंड सुनते हुए मार्क नहीं लगा पाते हैं, आपको प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ईजीली कैसे मार्क लगा सकते हैं। साउंड अगर आप नहीं भी सुनते हैं तो भी आप आसानी से यहाँ पर मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे म्यूज़िक डैश लाइन में फर्स्ट अप हमारा ये है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अप है, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। आई होप आपको समझ आएगा। एंड यहाँ सेकंड अप ये रहा, आपको यहाँ पर मार्क करना है। थर्ड अप ये है, यहाँ पर आपको मार्क करना है। फोर्थ अप यहाँ पर आएगा, तो आपको यहाँ पर मार्क करना है। एंड फिफ्थ मार्क लगाना है आपको यहाँ पर। ओके, इस तरह से मार्क कर लेंगे, बस सिंपली आपके मार्क लग जाते हैं। आप चाहें तो साउंड सुन सकते हैं, जब आप साउंड सुनेंगे तो बिल्कुल आपके बीट मार्क सही लगे होंगे। ओके, अब आप यहां से डन कर लेंगे, अगेन आपको डन करना है। तो इस तरह से दोस्तों, यहां पर म्यूज़िक ऐड हो जाता है। अब हमें क्या करना है, जो बीट मार्क हमने लगाए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें अपने फ़ोटो वीडियो को ट्रिम करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं ट्रिमिंग कर लेती हूँ। एंड अगर आप बीट मार्क नहीं भी लगा पाते हैं तो आफ्टर ट्रिमिंग मैं आपको ड्यूरेशन भी बता दूंगी कि आप फ़ोटोज़ की ड्यूरेशन क्या रखेंगे। Oh, light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. You look into my eyes and found a feeling. And nothing got it feel like a slim night. Hey, okay, तो दोस्तों, आपने देखा होगा इस तरह से आपको फोटोज की ट्रिमिंग करनी है। आप समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है। एंड अगर आप बीट मार्क नहीं लगा पाए हैं तो आप ड्यूरेशन नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। ड्यूरेशन है फर्स्ट फोटो की 0.70 सेकेंड आप रख सकते हैं, सेकेंड की 0.53 सेकेंड, थर्ड की 0.47 सेकेंड, फोर्थ की 0.48 सेकेंड,
एंड बाकी आपका लास्ट जो वीडियो आता है वो आपका म्यूजिक तक आता है, तो ड्यूरेशन होगी अबव 3.26 सेकंड। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आपको ड्यूरेशन रखनी है, बहुत ही आसान है ये वीडियो बनाना। बस आपको बीट मार्क ऐड करने हैं एंड फोटोज़ ऐड करने हैं, 4 एंड 5th आपका वीडियो होना चाहिए। एंड ड्यूरेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप बीट मार्क नहीं लगा पाते हैं तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोटोज़ को ट्रिम कर लीजिए। बस आपका वीडियो रेडी हो जाता है, अब आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप डन कर लेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ सेव टू एल्बम के ऊपर क्लिक करना है एंड वीडियो आपका सेव हो गया। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगा है, क्या आपको अच्छा लगा है, क्या आपको बुरा लगा है। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल के थ्रू आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक आप दे दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।